हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रज़ा टेक्निकल हेल्प में। मैं हूं तनवीर रज़ा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। HTML सीखने के सीरीज़ के फोर्थ पार्ट में हम सीखेंगे कि IMG एलिमेंट क्या होता है, यानी कि HTML में पिक्चर को ऐड कैसे करते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके इसका देख लेते हैं पिक्चर को ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इतना टैग लिखने के बाद हमने इसमें टाइटल दे दिया है। टाइटल देने के बाद बॉडी में आते हैं। बॉडी में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मान ली एक हेडिंग के अंदर हम देते हैं इमेज को हेडिंग। हेडिंग के अंदर लिखना होगा हमके फिर IMG स्पेस SRC इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमको क्या देना होगा, इमेज का जो इमेज हमको यहाँ लगाना ऐड करना है उसका URL। तो URL अब हमको कहाँ से लेना होगा, जो इमेज लगाना, मान लीजिए हमको ये इमेज लगाना है। सबसे पहले हम इसका लोकेशन देखें। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम यहाँ से इसका लोकेशन को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद हम देखेंगे कि ये कौन से टाइप का फाइल है। ये है .jpg, ओके। और इसका नेम देख लेंगे, नेम क्या है। फिर हम आएंगे टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम इमेज का नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद डॉट कौन से टाइप का फाइल था टाइप लिखेंगे, .jpg। और फिर कंट्रोल और इसको हेडिंग को क्लोज कर देते हैं हम। क्लोज करने के बाद Ctrl+S से सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको किसी एक वेब ब्राउज़र पर रन कर देते हैं। और ये देखिए हमारा इमेज यहाँ पे लग चुका है। अब हम इसके बैकग्राउंड में कोई कलर दे देते हैं, वाइट वाइट ठीक नहीं लग रहा है, bg कलर इज इक्वल टू कलर का नेम दे देते हैं। मान लीजिए 1 डेसिमल में कोई नेम दे देते हैं। और फिर इसको सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर देते हैं, कलर चेंज कर देते, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। Ctrl+S से सेव करने के बाद फिर इसको रिफ्रेश कर देते हैं। चलिए फिर अब हम चाहते हैं कि जो हमारा इमेज ऐड हुआ है हम इसको दाएं बाएं या ऊपर नीचे करें, तो हमको क्या करना होगा, एक इमेज एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। जैसे हम आते हैं अपने नोटपैड पर। अब हम चाहते हैं कि इमेज को ऊपर से नीचे कर लें, तो क्या करना होगा, हमको लिखना होगा v स्पेस इज इक्वल टू। अब जितना हम नीचे करना चाहते हैं इमेज को पिक्सल में उसका मान देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल। और इसको सेव, Ctrl+S से सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद अब देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए हमारा 50 पिक्सल इमेज जो था वो नीचे आ चुका है। अब हम चाहते हैं इमेज को दाएं से बाएं या बीच में लाएं, तो क्या करना होगा, आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद हम लिखेंगे h स्पेस इज इक्वल टू, फिर इसका कोई मान दे देते हैं, जैसे मान 500 दे दिया। फिर Ctrl+S सेव करने के बाद हम इसको फिर देख लेते हैं और ये देखिए हमारा इमेज बीच में आ चुका है। अब हम चाहते हैं कोई इसमें हेडिंग दे देते हैं, मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ, हेडिंग हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं br टैग, यानी कि लाइन ब्रेक टैग दूसरी लाइन से है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं जैसे रज़ा टेक्निकल हेल्प और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम देख लेते हैं क्या हुआ। ये देखिए हमारा हेडिंग नीचे आ चुका है। अभी हम इसमें कोई पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। नीचे आते हैं और पैराग्राफ को p से लिखते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं जैसे कुछ भी पैराग्राफ दे देते हैं, ऐसे ही 2-4 लाइन।
और इसको फिर क्लोज़ कर देते हैं। और कंट्रोल से सेव करने के बाद हम देख लेते हैं पैराग्राफ आ चुका होगा, ये देखिए। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है और लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, यानी कि HTML में लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में मेरे वीडियो शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और